मेरे सामने फिर से आ गया नीलगाय और मुझे कंटिन्यूसली घूर रहा है। कालू और रॉक्सी तो यहीं पर है, रॉक्सी को पता नहीं कि सामने नीलगाय है। कालू को भी नहीं पता वरना कालू भी पीछे पीछे भागेगा। वो भागा कालू भगाना मत, बहुत खतरनाक दिखता है नीलगाय। एक तो काला एकदम पूरा ब्लैक है और ऐसे अटेंशन देखते देखते और रॉक्सी भागी भगाना है। कालू भी भागा दोनों के दोनों गए, भगा दिया नीलगाय को। सॉरी नीलगाय, तू अब घास खा सकती है, अब ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो नीलगाय है, ठाकुर थोड़ी है तो बार बार परेशान करते हो उसको। रॉक्सी तो थककर बैठ भी गई। कदड़ी इतना खाती क्यों कि मोटी हो गई। मम्मी ने भी इसको इतने दिनों के बाद देखा तो मम्मी ने भी कहा रॉक्सी मोटी हो गई है। क्या हुआ रॉक्सी, तो डरा रही है कालू को? कालू अभी भी उसी नीलगाय को ही देख रहा है यहाँ पर खड़ा होकर, जबकि देख तो नहीं रही है, वो यहाँ से जा चुकी है। कालू अभी तक यहीं पर खड़ा और देख रहा है कि कहीं वापस तो ना आ जाए। बहुत समझदार है ना, अटेंशन मोड, एग्रेसिव मोड और टूट मोड, इतने सारे मोड है कालू के अंदर, मुझे खुद को पता नहीं। जैसे जैसे मैं कालू के साथ रह रहा हूँ वैसे वैसे मुझे इस प्रोडक्ट की खूबियां पता चल रही है। और ब्लैक मम्बा, तू तो रूप बदल के मेरे घर पर तो नहीं आया था? सांप बनकर चलता कैसे? तारों पैरों के मुंह एकदम अलग है। रॉक्सी कालू को छोड़कर वहाँ अकेली अकेली बैठी।